दोस्तों आज हम कहानी लेकर आए हैं अपने जमाने की मशहूर अदाकारा ललिता पवार की। जी हाँ, जिनका नाम सुनते ही जालिम सास का चेहरा सामने आ जाता है। फिल्मों की वो ऐसी खतरनाक सास थी जिनकी छाती पर आकर तो सांप भी रस्सी बन जाता था। ये डायलॉग उन्होंने खुद साल 1970 में आई फिल्म सास भी कभी बहू थी में बोला था। वैसे तो उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती मिलाकर करीब 700 फिल्मों में काम किया है, लेकिन रामायण में निभाए गए मंथरा के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया था। उन्हें भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों क्या विश्वास करेंगे कि इतनी सफलता हासिल कर चुकी अभिनेत्री ललिता पवार का अंत काफी खौफनाक रहा। उनकी लाश 3 दिनों तक घर में सड़ती रही। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था ललिता पवार के साथ कि उनकी लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही, आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। फिल्मों में माँ और सास का रोल निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में एक कट्टर परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक अमीर बिजनेसमैन थे जो सिल्क और कॉटन का बिजनेस करते थे। ललिता पवार के जन्म का किस्सा भी बड़ा रोचक है। उनकी माँ अनुसुईया प्रेग्नेंट थी और अम्बा देवी के मंदिर गई हुई थी। तभी उनको दर्द हुआ और मंदिर के बाहर ही उन्होंने ललिता को जन्म दिया। अम्बा देवी के मंदिर में जन्म होने की वजह से ललिता का नाम पहले अंबिका रखा गया, बाद में उनका नाम ललिता पड़ा। ललिता कभी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना ठीक नहीं माना जाता था। उन्होंने फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू किया था। वैसे आपको बता दें कि ललिता पवार का फिल्मों में आने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल ललिता पवार अपने भाई और पिताजी के साथ पुणे गई हुई थी और वहाँ पर वो शूटिंग देखने के लिए पहुँच गयी, लेकिन जैसे ही फिल्म निर्देशक की नज़र उन पर पड़ी उन्होंने तुरंत ही ललिता पवार को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। लेकिन जो पिता ललिता पवार की पढ़ाई के लिए नहीं माने वो भला फिल्मों में काम करवाने के लिए कैसे मान जाते। ऐसे में कई बार निर्देशक के मनाने के बाद ललिता पवार के पिता ने उन्हें अभिनय करने के लिए हामी भरी, जिसके बाद दादा साहेब फाल्के ने फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई जिसमें वो 9 साल की ललिता पवार को काम करने का मौका मिला। कम ही लोग जानते होंगे कि ललिता पवार ने फिल्म चतुरसुंदरी में 17 रोल निभाए थे जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ललिता पवार एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायिका भी थी। ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनकी अमृत फिल्म में उनका किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनसे छुआछूत करने लगे। दरअसल 1941 में मराठी के मशहूर उपन्यासकार विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी पर बनी फिल्म अमृत में उन्होंने मोची का किरदार निभाया था। लोगों ने उनके इस किरदार की इतनी सराहना तो की, लेकिन साथ ही उनके साथ छुआछूत का व्यवहार भी करने लगे, जिसके चलते उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा था। बता दें कि ललिता पवार ने अपने शानदार फिल्मी करियर में 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें 9-2-11, जंगली, सुजाता, नील कमल, खानदान, आंखें और आनंद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार हैं। उनके पास 70 साल से अधिक के लंबे अभिनय करियर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहते हैं कि हर अच्छे समय के बाद एक बुरा वक्त आता है, ऐसा ही कुछ हुआ ललिता पवार के साथ। एक हादसे ने ललिता पवार की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में रिलीज हुई फिल्म जंगे आजादी में भगवान दादा और ललिता पवार ने साथ काम किया था। इस फिल्म का एक सीन शूट करते हुए भगवान दादा को ललिता पवार को एक जोरदार तमाचा जड़ना था। सीन के दौरान भगवान दादा ने ललिता पवार को इतनी तेज तमाचा मार दिया था कि वो जमीन पर गिर गईं और इसके बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी। कहा जाता है कि ललिता पवार पर दवाई का उल्टा असर हो गया और उनके दाहिने हिस्से को लकवा मार गया। वक्त के साथ उनके जख्म तो भर गए, लेकिन उनकी दाहिनी आंख सिकुड़ गई और उन्हें बतौर अभिनेत्री फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कई साल तक ललिता अपनी सेहत और हौसले को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी रही। आखिरकार 1948 में अपनी एक मुदी आंख के साथ उन्होंने निर्देशक MS यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से एक बार फिल्मों में वापसी की।
25 साल की उम्र में ही ललिता को कैरेक्टर रोल करने पड़े और उसमें वह अपने से बड़े एक्टर्स की मां बनने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद सभी उम्र में ललिता से बड़े थे, लेकिन ललिता को सभी की मां का किरदार निभाना पड़ा। ललिता पवार ने अपने इस एक्सीडेंट को भी अपनी खुशी मान लिया और कहा था कि शायद वो एक्ट्रेस बनकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती जितनी वो कैरेक्टर रोल्स में बढ़ गई थी। साल 1950 की फिल्म दहेज और 100 दिन सास के में ललिता पवार ने कठोर सास का किरदार निभाया। इन फिल्मों के बाद से ही उन्हें कठोर सास कहकर बुलाया जाने लगा था। ललिता पवार के इन नेगेटिव रोल में रामानंद सागर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें रामायण में उन्हें मंथरा का रोल दे दिया गया। ललिता पवार का ये किरदार इतना मशहूर हो गया कि लोग असल जिंदगी में भी ललिता पवार से नफरत करने लगे थे। आपको बता दें कि ललिता पवार अपने काम को लेकर बहुत जिम्मेदार थीं। ललिता पवार ने साल 1985 में रामानंद सागर के साथ सीरियल रामायण में मंथरा का रोल निभाया था। शो के एक सीन में उन्होंने पाव जलने के बावजूद शूटिंग जारी रखी। लक्ष्मण का रोल निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भगवान राम अयोध्या से लौट रहे थे तो सेट पर दीप जलाए गए थे। ललिता जी इतने जोश में थी कि उन्हें ये एहसास भी नहीं हुआ कि उनका पैर दिए पर पड़ गया है। उनके दोनों पैर जल गए, उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया और आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जलते हुए पैर से शूटिंग पूरी की। कैमरे की आगे उनके चेहरे में कोई दर्द का भाव नहीं आया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ललिता पवार अपने काम को लेकर कितनी जिम्मेदार थीं। ललिता पवार के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 1930 के दशक में फिल्म मेकर गणपत राव पवार से शादी की थी। यही वो दौर था जब ललिता कुछ समय तक बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद ललिता को पता चला उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ललिता को शौक तब और तेज लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहन के साथ ही उनके पति का अफेयर है। पति और सगी बहन से मिले इस धोखे ने ललिता पवार को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद ललिता ने ये शादी तोड़ दी। इसके बाद ललिता ने फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की। ललिता का एक बेटा जय भी है जो फिल्म प्रोड्यूसर है। दूसरी शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला और ललिता पवार ने कई रोल्स निभाए, लेकिन इसके बाद उन्हें मुंह का कैंसर हो गया और वो पुणे शिफ्ट हो गईं। ललिता ने अपने अंतिम दौर में ये मानना शुरू कर दिया था कि उनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रोल निभाए। 24 फरवरी 1998 में ललिता की मौत हो गई। ललिता की जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई यही रही कि उनकी मौत भी अकेले ही हुई। जब उन्होंने आखिरी सांसें ली तब घर पर कोई नहीं था। उनके बेटे ने जब घर पर फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। जब सभी घर पहुंचे तो पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता इस दुनिया से जा चुकी है। इस तरह 3 दिन तक ललिता पवार की लाश सड़ती रही। उन्होंने अपने साथ हुई हर घटना का जिंदा दिली से सामना किया और कभी भी पलट कर नहीं देखा। ललिता पवार के उस जज्बे को सलाम है। वेल दोस्तों, आपको ललिता पवार का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।